गौतम गंभीर भी गंभीर लग रहे थे, वो भी लास्ट ओवर में खुशी से झूम उठे। क्या ही मैच था। जी हाँ दोस्तों, आज का मैच आरसीबी वर्सेज लखनऊ का था, जो कि आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में चल रहा था, जहाँ पे लखनऊ ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया। वहीं बेंगलोर की तरफ से ओपनर बैट्समैन विराट कोहली और फैफ डी प्लेसिस बैटिंग करने आ गए। बेंगलोर के ऑल टोटल स्कोर 212 रन बना डाला 20 ओवर में, जो कि लग रहा था कि मैक्सिमम स्कोर है। इसमें विराट कोहली, फैफ डी प्लेसिस एंड ग्लेन मैक्सवेल ने 50 रन की पारी खेली। तीनों के शानदार प्रदर्शन के बाद टोटल स्कोर 212 पे 2 विकेट था। बाद में लखनऊ उतरी, लखनऊ का टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चला। बाद में मिडिल ऑर्डर लखनऊ का निकोलस पुरन और मार्कस स्टोनिस ने पारी संभाली। उसके बाद निकोलस पुरन ने पूरा आरसीबी का चूरन बनाने को उतरा हुआ था। लास्ट तक मैच रोमांचक बना हुआ था। आखिरकार लास्ट में मैच लखनऊ ने ही बाजी मार ली। आपको क्या लगता है दोस्तों, मैच देखकर कैसा फील हो रहा है कमेंट करके बताएं। मैच में फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिला शुरू से अंत तक। लखनऊ वालों ने आरसीबी के घर में घुसकर हरा डाला है। यह चेस हफ्ते का सबसे बड़ा चेस माना जाता है। इसमें मात्र 15 बॉलों में निकोलस पुरन ने पूरा आरसीबी का चूरन बना दिया। व्हाट ए मैच। ये वेस्ट इंडीज वाले मैच को कभी भी किसी दिशा में पलट देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।